भाई साहब हीरा ढूंढ रहे हैं क्या? ओ भाई क्या मिल गया, सोने का कंगन। हेलो दोस्तों, कैसे हो। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जौनपुर, जो कि बहुत ही अंडर रेटेड है। यहाँ बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट है, जैसे कटाला मस्जिद, शीतला माता मंदिर, शाही पुल, लाल दरवाज़ा, त्रिलोचन महादेव, शाही किला, यमदागिनी आश्रम, बाटनी और म्यूज़ियम है। तो दोस्तों, इस जौनपुर का स्थापना 14वीं शताब्दी में हुआ था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने अपने भतीजे के या अपने चचेरे भाई, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको प्यार से जूना खान बुलाते थे, उसके नाम से जूना खान से जौनपुर रखा गया। लोग कहते हैं कि इसका नाम पहले जमादग्नीपुरम था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको चेंज कर दिया, जौनपुर कर दिया। और कुछ लोग इसको शिराज हिंद भी बोलते हैं। शारिक सुल्तान, जो उसके बाद जो एम्परर हुए, शारिक सुल्तान के द्वारा इसको शिराज हिंद भी कहा गया था। यहाँ की जो भाषा है वो उसको हिंदी और उर्दू को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। यहाँ की फेमस चीज़ें उसको मूली बोलते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ का राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व तो ज़्यादा है। राजनीति यहाँ के लोग बहुत करते हैं, जैसे कानपुर में करते हैं, वैसे यहाँ की राजनीति बहुत फेमस है दोस्तों। तो जौनपुर के छोटे से हिस्से में आपको आज सैर कराते हैं, जो कि है ये शाही ब्रिज और आसपास शाही किला है, और यहाँ की मार्केट में सैर कराएंगे। तो चलिए, तो दोस्तों मैं आ गया हूँ आज शाही ब्रिज के नीचे। यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई देखने को मिल रही है, और यहाँ पे मैंने देखा एक बोट भी है। शाम को मेरे ख्याल से यहाँ पे बोटिंग भी कराते हैं। और दूर वहाँ पे देखिए एक आदमी है, पता नहीं क्या कर रहा है उसमें। मैं थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा मैंने सोचा अपना पैर को थोड़ा से ठंडा कर लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, दोपहर का वक्त है। तो मैं थोड़ा पैर, ये क्या मिल गया मुझे, मुझे लगा कुछ बह के आया, लेकिन इसमें कुछ था नहीं। तो पानी थोड़ा ठंडा है दोस्तों, तो ऐसा मन कर रहा है नहा लूँ, लेकिन दोपहर है तो हो सकता है जुकाम हो जाए या दिक्कत हो जाए, तो मैं नहीं चाहता बीमार हो जाऊँ। तो ये सामने देखिए एक आदमी है जो डूब के पता नहीं क्या निकाल रहा है। वो सामने देखिए शाही ब्रिज है, ये नया वाला ब्रिज है, जिसको हम सद्भावना ब्रिज भी बोलते हैं। सद्भावना ब्रिज दोस्तों मुलायम सिंह के सरकार में बनाई गई थी। और इसके और आगे जाएंगे तो एक और ब्रिज है जो आजमगढ़ की तरफ जाता है, वो इससे भी पुराना ब्रिज है, सद्भावना से भी पहले का। तो चलिए थोड़ी दूर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि मैं थोड़ा चप्पल अपना साफ़ कर लूँ, क्योंकि चप्पल में मुझे लगता है बालू घुस गया था, क्योंकि रास्ते में आते समय वहाँ पे बालू था। तो यहाँ पे एक चीज़ और फेमस है दोस्तों, यहाँ का जो लोकल मार्केट है, या आप कह सकते हैं जो शाही ब्रिज के ऊपर जो मार्केट लगता है, वो बहुत फेमस है। वहाँ पे आपको हर तरह के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, कपड़े से लेके घर में यूज़ होने वाले सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगे। यहाँ का जो शाही ब्रिज का जो मार्केट था वो बहुत फेमस था, लेकिन चूंकि ये बहुत पुराना हो चुका है, तो गवर्नमेंट ने उसको वहाँ पे भीड़ कम करने के लिए वहाँ का मार्केट हटा दिया है, उनको शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह। लेकिन फिर भी शाम को यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा लगता है, और इसका भी टूर हम कराएंगे। ये सामने देखिए शाही किला दिख रहा है सबसे ऊपर, ये देखिए। चलिए थोड़ी दूर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये आदमी जिसको मैं काफ़ी देर से देख रहा था ब्रिज के ऊपर से, ये पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, हीरा ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है। चलिए इससे बात करते हैं। भाई साहब क्या ढूंढ रहे हो? पता नहीं सिक्का ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। ये सामने देखिए, ये सामने एक मंदिर है। ब्रिज के नीचे से आएंगे तो यहाँ पे मंदिर में शाम को आपको घंटी की आवाज़ और पूजा की आवाज़ सुनाई देगी।
सामने की तरफ देखेंगे वहाँ पे घाट अभी बन रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे सही हुआ है, पहले ये घाट नहीं था तो पहले यहाँ पे नीचे आने में थोड़ा से दिक्कत होती थी, लेकिन अभी घाट वोट बन गया है तो आप आराम से आके ये देखिए, शायद इनको कुछ मिला है क्या। चलिए थोड़ी और आगे जाके देखते हैं, सोच रहा हूँ मुझे भी कुछ मिल जाए, मैं भी ट्राई करता हूँ। वो ये क्या, मुझे सोने का कंगन मिल गया। ओ भाई सोने का कंगन मिल गया क्या? ओ नहीं, सोने का कंगन नहीं था, ये नॉर्मल कंगन था। देखते हैं इनको क्या मिलता है। दोस्तों पहली बार मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि कोई तैरता हुआ लाश है, लेकिन पास में आके देखा तो ये भाई साहब सिक्का ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। और ये इसको देख के मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि है क्या, मुझे लगा कुछ स्पेशल होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये कपड़े बदलने का ऐसे ही बना रखा है इन्होंने घेरा, जहाँ पर आप नहा के कपड़े बदल सकते हो, जैसा मुझे ऐसा लगता है कपड़े बदलने का ही है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा करीब से। ये देखिए ये मंदिर है और ये सामने पुल का नज़ारा, ये देखिए। दोस्तों शाम को यहाँ पे लोग बताते हैं कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है और ब्रिज के ऊपर लाइटें वटी जल जाती हैं तो थोड़ा सा खूबसूरत लुक हो जाता है इसका। आगे वीडियो में बने रहिए, मैं शाम का भी लुक दिखाऊंगा अगर मौका मिला तो। चलिए वापस चलते हैं और आपको वो देखिए, वो सामने के घाट जो अभी भी कंस्ट्रक्शन में है और कुछ बन भी गया है, और ठीक उसी के पीछे शाही किला है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। शाही किला का भी सैर कराएंगे आपको, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पे बैठने की जगह है, आप बैठ के यहाँ पे आराम कर सकते हो दोपहर में शाम को। यहाँ पे टाइम पास कर सकते हो। चलिए मैं भी थोड़ा से छांव में आ जाता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। दोस्तों तो मैं निकल चुका हूँ और यहाँ के लोकल मार्केट जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, ये शाही ब्रिज के शाही पुल के ऊपर ही है। तो यहाँ के लोकल मार्केट बहुत फेमस है, यहाँ पे मिलने वाले कपड़े जो कि सस्ते कपड़े और बीज और जो पालक के बीज, गोभी के बीज और बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलते हैं, टोपी जूते चप्पल और बहुत सारे ऐसे लोकल चीज़ें मिलते हैं जो आपको एक ही जगह मिल जाएगी। ये देखिए ये पहले बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करता था, क्योंकि ये पुराना हो गया इसलिए यहाँ से भीड़ हटा दिया और कुछ दुकानें रह गई, नहीं तो पहले 10 साल पहले की बात है यहाँ पर बहुत सारे दुकानें हुआ करती थी, बहुत भीड़ होता था, यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। आपको तेज़ी से आपको यहाँ पर सैर करा देता हूँ, यहाँ पे देखिए चश्मा ताला और कपड़े जूते चप्पल टोपी, ज़रूरत की हर सारे सामान मिल जाएंगे आपको और वो भी सस्ते में। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद के सामने और आगे चलेंगे तो वहाँ पे आपको इतर की दुकान मिल जाएगी और बेनी राम की मूर्ति की दुकान है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसको बेनी राम की गली भी बोलते हैं। ये देखिए शेर वाला जो जगह है ये फेमस है जौनपुर में, जब आप सर्च करेंगे तो शेर वाली जो जगह है वो फेमस है। और यहाँ पे दुकानें कपड़ों की और सिलाई मशीन की दुकानें और बहुत सारी ऐसी दुकानें यहाँ पे फेमस हैं। ये देखिए ये कपड़े की दुकान देखिए, और ये दाहिने साइड देखिए मेरे कपड़े की दुकान,
तो दोस्तों यहाँ पे सस्ते में कपड़े की दुकानें मिल जाती हैं, जैसे बच्चों के लिए चाहिए कपड़े या जिसको सस्ते में कपड़े चाहिए, तो हर किसी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाता है। प्लास्टिक के सामान, 10 रुपये के प्लास्टिक के सामान, और ऐसे ये देखिए इतर की दुकान। दोस्तों ये जौनपुर की छोटी सी झलकी है, अगर पूरा जौनपुर देखना है तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।